fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to... Assalamualaikum everyone, welcome back. आपके सामने जो बाइक मौजूद है वो है सुपरस्टार का नया शाहकार स्पेशल एडिशन 2024 का मॉडल और बड़ा ही ज़बरदस्त रिसेंटली अक्टूबर के महीने में ये लॉन्च कर दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत ये मॉडल है और इस बाइक के अंदर आपको तीन नए स्पेशल एडिशन देखने को मिलेंगे जो मैं आपको आगे चलकर दिखाने वाला हूँ। ये बाइक जो है स्पेशल एडिशन है, कब तक ये कंटिन्यू रहेगा, कब ये डिसकंटिन्यू होगा और ये बाइक आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, ये सारी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और इसके अलावा इस बाइक के अंदर कितने कलर अवेलेबल हैं और इसकी प्राइस भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में चलकर बताने वाला हूँ। तो जो लोग चैनल पर नए, पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के लुक की। तो इस बाइक का जो लुक है वो नो डाउट बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। ख़ास तौर पर आप इसके कलर को देखें तो ये सिल्वर कलर जो है बहुत कम बाइक्स में आपको 70cc में देखने को मिलता है। आपको होंडा ड्रीम 70cc में ये कलर देखने को मिलेगा, बाकी अगर आप दूसरे ब्रांड में देखें तो आपको ये कलर बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगा। ख़ास तौर पर आप इसकी जो फ्यूल टैंक के ऊपर ग्राफिक्स है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से की गई है। इसके ऊपर येलो, ग्रीन, ऑरेंज कलर से इस बाइक को पेंट किया गया है, जो नो डाउट बहुत ही खूबसूरत इसकी ग्राफिक्स 2024 में आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा इस बाइक के अंदर काफ़ी सारी नई चीज़ें इसके अंदर शामिल की गई हैं इस बाइक के अंदर 2024 में, और बहुत सारे इस बाइक के अंदर नए फीचर्स भी शामिल किए गए हैं, वो भी आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस बाइक की मैं की आपको चेक करवाता हूँ। बड़ी खूबसूरत और बड़े साइज़ की यहाँ पर आपको की दी गई है। एलिगेंट लुक की का दिया गया है, जो काफ़ी ज़बरदस्त स्टाइल की यहाँ पर आपको की देखने को मिल रही है। अगर हम सीट की बात करें तो सीट इसकी जो है बड़ी कंफर्टेबल है और हाई क्वालिटी एक्स्ट्रा थिक कंफर्टेबल सीट यहाँ पर आपको दी गई है और काफ़ी बड़ी सीट है। 2 से 3 बंदे इसके ऊपर आराम से इस बाइक में बैठ सकते हैं। अगर हम यहाँ पर फ्यूल कॉक की बात करें तो यहाँ पर आपको लॉक दिया गया है फ्यूल का। जैसा कि पेट्रोल काफ़ी महंगा है और पेट्रोल के चोरी होने का भी ख़तरा होता है, तो यहाँ पर आपको फ्यूल लॉक जो है यहाँ पर शामिल किया गया है प्रोटेक्शन वाला, जिसमें आपको लॉक भी लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ स्टाइलिश फ्रंट मोनोग्राम है। मोनोग्राम को भी यहाँ पर चेंज किया गया, काफ़ी स्टाइलिश है। और हॉर्न को आप गौर से देखें तो हॉर्न भी यहाँ पर नए स्टाइल में यहाँ पर दिया गया है, स्टार बना हुआ है और काफ़ी खूबसूरत हॉर्न को यहाँ पर शामिल किया गया है, जो काफ़ी स्टाइलिश दोनों चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। इसके बाद हम यहाँ पर फ्यूल का जो टैंक का कैप होता है उसको भी यहाँ पर चेंज किया गया है। काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर हमें फ्यूल का जो लॉक है वो नए स्टाइल में 1-5 वाला यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। मीटर की अगर बात करें तो मीटर आपको यहाँ पर ओल्ड स्टाइल में देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर जो ग्राफिक्स है वो खूबसूरत है। नए कलर ग्राफिक्स के शामिल किए गए हैं। इसमें जो टॉप स्पीड है आपको 120 की देखने को मिल रही है। फ्रंट से अगर हेडलाइट को अगर देखें तो हेडलाइट के जो शेप है उसको चेंज किया गया है। हेडलाइट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, शार्प हेडलाइट है और इसका जो मटेरियल है वो यहाँ पर आपको कांच का देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो इसके इंडिकेटर हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, नए स्टाइल के इंडिकेटर इसके अंदर शामिल किए गए हैं, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। राइट जो इसकी असेंबली है उसको देखें तो यहाँ पर आपको खाली देखने को मिलती है, ग्रिप को चेंज किया गया है। और अगर लेफ्ट असेंबली को अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर हाई लो हॉर्न और हॉर्न का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो इसके जो मिरर हैं साइड मिरर उसको भी नए स्टाइल में यहाँ पर शामिल किया गया है। अगर इस बाइक को हम बैक से देखें तो यहाँ पर आपको बैक लाइट जो देखने को मिल रही है वो एक नए स्टाइल में,
ज़बरदस्त खूबसूरत यहाँ पर आपको वीडियो में नज़र आ रही होगी। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इंडिकेटर फ्लेक्सिबल हैं और इसका जो पिछला मडगार्ड है वो स्टील का क्रोम में यहाँ पर दिया गया है। क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो फ्यूल टैंक इसका जो है वो 10 लीटर का यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और इंजन की बात करें तो इंजन इसका काफ़ी पावरफुल है, 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OHC इसका इंजन है। डिस्प्लेसमेंट 70 cc की है। और अगर इसके फ्यूल एवरेज की बात करें तो फ्यूल एवरेज काफ़ी अच्छा है, 50 से 55 किलोमीटर ये बिल्कुल प्रोड्यूस करती है, जो काफ़ी अच्छा फ्यूल एवरेज हम यहाँ पर कह सकते हैं। फ्रंट टायर की बात करें तो 2.50x18 के फ्रंट टायर है, पैंथर के इसके अंदर टायर दिए गए हैं जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। बैक टायर की बात करें तो 2.50x18 के पैंथर के यहाँ पर टायर दिए गए हैं। ड्राइव वेट की बात करें तो 82 kg का इसका ड्राइव वेट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो नो डाउट बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इस बाइक की पार्ट्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और इसकी पेंट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर मैंने चेक की है, पेंट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। इस बाइक के अंदर आपको 3 कलर देखने को मिलते हैं, स्पेशल एडिशन की मैं बात कर रहा हूँ। सिल्वर कलर जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, इसके अलावा ब्लू कलर और एक वाइट कलर जो आपको देखने को मिल रहा है। पर्सनली मुझे वाइट कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, जो एक ट्रैफिक पुलिस वाली जो बाइक होती है उसका कलर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। सबसे अच्छा जो कलर मुझे लगा है वो सिल्वर कलर और ब्लू कलर यहाँ पर अच्छा लगा है मुझे। आपको कौन सा कलर अच्छा लगा ये आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर प्राइस की, तो जो सिल्वर कलर है उसकी जो लेटेस्ट प्राइस है वो 1,16,000 रुपये विथ रजिस्ट्रेशन के साथ ये बाइक आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा इसमें जो ब्लू कलर और वाइट कलर जो वीडियो में आपको नज़र आ रहा है उसकी कीमत है 1,13,000 विथ पेपर के साथ। और ये बाइक आप परचेज कर सकते हैं अकबर रोड बाइक मार्केट अक्सा ऑटोस पर, आपको लोकेशन नज़र आ रही होगी, यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। और ये जो स्पेशल एडिशन है ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ये कुछ वक्त के लिए ये बाइक को लॉन्च किया गया है। स्पेशल एडिशन सिल्वर ब्लू और वाइट कलर को अगर आप परचेज़ करना चाहें तो अकबर रोड अक्सा ऑटो से आप परचेज़ कर सकते हैं। इसमें जो कंटिन्यू रहेगा वो ब्लैक और रेड कलर ये कंटिन्यू रहेगा, और बाकी जो स्पेशल एडिशन है वो डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। तो ओवरऑल बाइक काफ़ी अच्छी लगी और सारी डिटेल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, इसके प्राइस भी मैंने आपको शेयर किए, तमाम फीचर्स भी मैंने आपको बताए, ये बाइक आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।